की हाल चाल सत श्री अकाल देवी और सज्जनों यहाँ पे आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं जियो के कुछ अनाउंसमेंट्स का। जी हाँ, जियो ग्लासेस की पहली अनबॉक्सिंग और पहला बेंड टेस्ट जो होगा वो पोटैटो टेक पे होगा। इसीलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मुकेश अंबानी जी ने काफी अनाउंसमेंट किए कि उनको कहाँ कहाँ से पैसा मिला। तो इन शॉर्ट अगर बात करी जाए तो रिलायंस काफी मालामाल हो चुका है, पैसा ही पैसा हो गया, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है जो कि काफी पुश्तों तक नहीं देखने को मिलेगा। गूगल और रिलायंस की जो जुगलबंदी है वो आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। Every Indian, as India is standing at the doorsteps of the 5G era, काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं, काफी फ्यूचर प्लान्स बताई गई हैं कि भैया ऐसा हो सकता है। क्या ये वचन जो मुकेश अंबानी जी से निकले हैं क्या हमें स्वैच्छिक आंखों से देखने को मिलेंगे? वी शुड एक्सेलरेट द माइग्रेशन ऑफ 350 million इंडियंस who currently use a 2G feature phone to an affordable smartphone. किर हो गया, pharmaceuticals हो गया, food हो गया, किराना industries हो गया। मम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई ईमान नहीं होता, हमारे शाहरुख भाई ने कहा था ऐसा। तो गूगल ने 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है जियो में। गूगल है भाई, ऐसा मौका नहीं छोड़ सकता ना वो। This week we announced our Google for India digitization fund, an effort to invest 75,000 crore rupees or approximately $10 billion. आज थर्सडे, कल के कल में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्वालकॉम से उनको मिला है 730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आई इंटेल, इंटेल ने अप्रोक्सीमेटली 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो जियो का बेसिकली विजन ये है कि अफोर्डेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो है वो सबके हाथों में आ जाए। जियो वैसे ही काम कर रहा है 5G नेटवर्क में, वैसे तो 4G भी नहीं चलता ढंग से। 5G सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच, दिस विल एनेबल अस टू लॉन्च A world-class 5G service. और सिर्फ जियो की मोनोपोली चलती है। ऐसे तो काफी लोग शिफ्ट हो चुके हैं जियो की तरफ, वैसे की बारिश होगी हमारे पास नहीं, जियो के पास। मेड इन इंडिया 5G सॉल्यूशन विल बी रेडी फॉर ट्रायल्स एज सून एज 5G स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल एंड कैन बी रेडी फॉर फील्ड डिप्लॉयमेंट नेक्स्ट ईयर। अब भैया जब रही 5G नेटवर्क्स की बात, तो भैया इंडिया में अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स का होना भी जरूरी है। तो यही मेजर रीजन है कि क्वालकॉम ने इतना मेजर अमाउंट जो है वो जियो में इन्वेस्ट किया है। ऑल IP नेटवर्क आर्किटेक्चर, वी कैन इजीली अपग्रेड our 4G network to 5G. क्योंकि रिटर्न की तो इन कंपनीज को वैसे ही टेंशन नहीं है, और वैसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज जीरो डेट कंपनी है, बैंकरप्सी तो होगी ही नहीं, कोई लोचा ही नहीं है। ये तो रही सिर्फ 3-4 कंपनीज की बात, फेसबुक से इन्वेस्टमेंट आया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करी जाए, टोटल इन्वेस्टमेंट पहुंचा है 212,809 करोड़ का। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, किराना शॉप ओनर्स हैं जो कि इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते, बट जब व्हाट्सएप आ जाएगा तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। बेसिकली व्हाट्सएप को यूज करके ट्रांजेक्शन काफी सिंपल हो जाएगा। और वहीं अगर जियो मार्ट की बात करी जाए तो ये अभी बीटा टेस्टिंग में है। अब बात कर लेते हैं जियो ग्लास की, जो कि एक हाईलाइट फीचर बना इस इवेंट का। कहने के लिए सिर्फ 75 ग्राम का है और 25 आर्गुमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल है। द जियो ग्लास तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। हम लोग भी जो इमेजेस दिखाई है वो काइंड ऑफ यहाँ पे बिंदी लगी हुई है जियो का, यहाँ पे ऊपर वेंट्स दिए हुए हैं, नीचे से काफी पतला है, ऊपर आते आते मोटा हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये चीज तो होनी है, सेंसर लगना है, हार्डवेयर लगना है अपनी क्लासेस को कंडक्ट करने में, वीडियो कॉल्स को, मीटिंग होस्ट करने में, एक 3D होलोग्राफिक एनवायरनमेंट में। हेलो जियो, प्लीज कॉल आकाश एंड ईशा, एंड ईशा हैज जॉइंड अस इन अ 2D वीडियो कॉल फॉर्मेट फ्रॉम अ होम। GeoGlass allows smooth collaboration across devices and platforms. तो अभी at present, as per the announcement, 25 ऐसी applications हैं जिनके साथ जियो ग्लासेस ऑलरेडी कंपैटिबल हैं। पबजी खेलना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी प्राइस नहीं बताई है, कब तक अवेलेबल होगा ये नहीं बताया है, बट हाँ कहने के लिए जियो के काफी प्रोडक्ट जो होते हैं वो अफोर्डेबल होते हैं। बेसिकली शोकेस किया है कि देखो काफी है हमारे पास, ठीक है। अब अंबानी जी ने इतना फ्यूचर दिखा दिया है तो सबकी ख्वाहिशें तो जागेंगी। तो ये था AGM 2020 जहाँ पे एक लीक से हट के अनाउंसमेंट हुए। तो बस भैया आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दैट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। यू कैन ऑल्सो शेयर प्रेजेंटेशंस दैट यू विल बी एबल टू व्यू एंड प्रेजेंट ऑन अ लार्ज वर्चुअल स्क्रीन इन एनी वर्चुअल एनवायरनमेंट यू वांट।